गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू हिंदी. स्टूडेंट्स नाउ टेक योर हिंदी बुक. सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक जल्दी से ओपन करेंगे और आपका पेज नंबर है 8. बेटा इसके पहले हमने आपको 5 स्टेप में छोटा से अनार बनाना सिखाया था. आई होप सभी बच्चे सीख चुके होंगे इसको. हमने छोटा से अनार को 5 स्टेप में किया था. कैसे था ओके. हम एक बार ट्राई करते हैं. 1 2 3 4 5 ओके. जब हमने अगर छोटा से अनार बनाना 5 स्टेप सीख लिया है तो हमें इसमें 1 स्टेप और ऐड कर देना है. तो हमारे 6 स्टेप में क्या बन जाएगा बेटा, बड़ा से आम. ओके तो आज हम बड़ा से आम पढ़ेंगे. ये देखिए आपकी आम की पिक्चर बनी है. यहाँ पे आम लिखा है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमको बनाना कैसे है. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 ओके. हमें यहाँ पे एक मात्रा लगानी है. इसको कहते हैं बड़ा से आम, क्योंकि जो छोटा होता है वो सिंगल होता है. इसमें आ की मात्रा लगने से बेटा ये बड़ा हो जाता है. छोटा से अनार हमने पढ़ा और आज हम पढ़ रहे हैं बड़ा से आम. आपके 6 स्टेप्स हैं. मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ. 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही आप बोल कर जब लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी लिखना भी आ जाएगा और आपको बहुत इन्जॉय भी लगेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो है ये आप पेंसिल से ट्रेस करके ही लिखना है अच्छे से सारी चीज़ें. ओके और ये आपको पूरा फिल करना है. ये आज आपका क्लास वर्क है. जल्दी से आप लोग सेंड करेंगे अच्छी हैंडराइटिंग में, स्टेप को लर्न करेंगे तो बहुत जल्दी ही बनाना सीख जाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच ऑल. थैंक यू.